फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को काफ़ी डिटेल में और पूरा देखिएगा। काफ़ी डिटेल में ये केस स्टडी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ई कॉमर्स मार्केट में सक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि बिल्कुल बेसिक से आपको क्या क्या करना है और कैसे आप यहाँ पे सक्सेस कर सकते हैं। और एक एग्जांपल भी मैं आपको प्रोडक्ट का दूंगा जो 4-5 साल पहले मैं सेल करता था। वो प्रोडक्ट का मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगा कि वो मैंने कैसे किस प्राइस में चाइना से इंपोर्ट किया था एंड अमेज़ॉन पे वो अभी किस प्राइस में सेल हो रहा है और 5 साल पहले मैं किस प्राइस पे उसको सेल करता था। प्लस हम लोग अभी एक डेलीगेशन चाइना लेके जा रहे हैं तो कैंटोन फेयर हो रहा है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फेयर होता है। तो जो भी आना चाहते हैं उस डेलीगेशन में तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और टीम को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, ये जो प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मेरे पास रखा हुआ है, ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको ब्लैडर कहते हैं, तो ये एक तरह से वाटर ब्लैडर कहते हैं इसे। और ये इस तरह का इसमें ये जो है ये 3 लीटर्स का इसकी कैपेसिटी होती है एंड ये सब सेम ही है। मतलब थोड़ा सा बहुत इसमें थोड़ी बहुत डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाती है, जैसे इसका जो सिपर है वो डिफरेंट हो जाता है। अब जैसे ये सिपर होता है तो इस बैग का यूज़ क्या होता है, जो ट्रैकर्स होते हैं अपने वो बैकपैक में इसको पीछे डालते हैं, इसमें 3 लीटर वाटर आ जाता है और इसको ये बैक एंड साइड से आ जाता है और ये इसमें से आप पानी जो है वो पी सकते हैं। ये सिपर होता है तो ये आपके बैकपैक पे पीछे जो बैकपैक होता है, ट्रैकर्स इसको यूज़ करते हैं, आर्मी यूज़ करती है, तो इस तरह का ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे आज से 4-5 साल पहले जब मैं सेल करता था तो ये बहुत ज़्यादा इसकी हाई डिमांड थी। सेलर कोई भी नहीं था, तो मैं अकेला ही सेलर था, आप ऐसा मान सकते हैं, या बीच में एक बाद में एक आध सेलर और आ गया था। ये प्रोडक्ट कैसे देखी मुझे पता चला था, यहाँ पे मैं रिसर्च टूल यूज़ करता था जंगल स्काउट, तो उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात करी हुई है कि जंगल स्काउट जैसे रिसर्च टूल्स हैं, अभी इनिशियली वो पेड टूल्स होते हैं तो आपको जब पेमेंट आप करते हैं मंथली पे आपको करना पड़ता है तो आपको लगता है कि यार इतना क्यों मैं पे कर रहा हूँ। उस टाइम तो कम होता था, मेरे ख्याल से अभी जो है वो 5,000 के आसपास है अगर आप मंथली प्लान लेते हैं। अगर क्वार्टरली हम लोग एनुअल और वो सब यूज़ करते हैं तो उसमें कम कॉस्ट पड़ती है। तो उसका भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक अपना एफिलिएट लिंक डाल दूंगा, आप लेना चाहें तो आपको वहाँ $50 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखिए, ये डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ अपने अलीबाबा अकाउंट पे कि ये जब मैंने इंपोर्ट किया था तो वहाँ पे क्या प्राइस में ये मुझे मिला था। और ये मैं पहले सैंपल के लिए मैं नॉर्मली छोटे पीसेज, मतलब 100, 200, 300 ऐसे मंगाता था, उसके बाद बल्क में हमने इसको मंगाया था। तो मैं आपको अभी अपनी स्क्रीन पे अलीबाबा पे दिखाऊंगा एंड देन अमेज़ॉन पे दिखाऊंगा ये कितने पे बिकता था। तो ये सिंपल सा इसका जो कॉस्टिंग है मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि ये कितने में पड़ता था, ड्यूटी कितनी लगती थी, शिपिंग कितनी लगती थी। तो पूरा ही मैं एनालिसिस इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, मैं पहले आपको अलीबाबा पे इसका प्राइस दिखाता हूँ फिर अमेज़ॉन पे दिखाता हूँ। बट अभी आपको ध्यान रखना है, ये प्रोडक्ट ना अब ये 4-5 साल हो चुके हैं इसको, तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपको अभी लॉन्च नहीं करने, क्योंकि बहुत लोग वीडियो के बाद सोचेंगे यही प्रोडक्ट लेके सेल करने लग जाएंगे। अभी भी सेल करने वाले वैसे इसको एक दो ही हैं और ये प्रोडक्ट के ऊपर एक बैकपैक और आता है तो उसको हाइड्रेशन बैकपैक बोलते हैं। तो वो प्रोडक्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी हम सेल करते थे पहले, चाइना से मंगाते थे और उसके बाद हमने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करवाना चालू किया। तो क्या होता है कि वो जो है वो कपड़े या पॉलिस्टर का होता है, ये मैंने बहुत ट्राई किया था कि ये मुझे कहीं पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में मिल जाए। तो मैंने फिर बाद में क्या करना चालू किया था, ये मुझे चाइना से मंगाता था और इसके ऊपर का जो बैकपैक है मैं आपको अभी दिखाऊंगा अमेज़ॉन पे, तो वो जो है वो फिर मैं इंडिया में मैन्युफैक्चर करवाने लगता था और आपको वो और सस्ता इंडिया में पड़ता था जब उसको मैन्युफैक्चर करवाते थे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ, पूरा एनालिसिस बताऊंगा एक प्रोडक्ट में कैसे हम 500-600 रुपये कमाते थे और दिन के इसमें 3-4 से ज़्यादा ऑर्डर इस सिंगल प्रोडक्ट के आते थे। तो वैसे ही आप कैसे इस पर काम कर सकते हैं, तो ये केस स्टडी वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स निकालने हैं, आपको जंगल स्काउट हो गया और रिसर्च टूल्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। 1-2 महीने, एटलीस्ट 3 महीने इसको यूज़ करें और उसके बाद आप जिस भी कैटेगरी में आप चाह रहे हैं तो आपको देखिए ऐसा प्रोडक्ट पता चलेगा। आप जैसे ये जो प्रोडक्ट मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं, ये प्रोडक्ट आप ना सोच सकते हैं ना किसी को पता होता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट भी है और ऐसा कोई प्रोडक्ट की डिमांड भी है। तो ये सब हमें रिसर्च टूल से पता चलता है, क्योंकि नॉर्मली जब हम खुद सोचते हैं तो उसमें 2-4 ही कैटेगरी लोग क्लोदिंग में सोचने लगते हैं, शूज, बैग, हैंड बैग, यही सब काम करते हैं। बट इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको रिसर्च टूल से ही पता चलेंगे, नहीं तो आपको नहीं पता चलेंगे। रिसर्च टूल में अमेज़ॉन एग्जैक्टली दिखाता है कितनी सेल आ रही है, क्या प्राइसिंग है और इसमें कितने सेलर्स हैं। तो सेलर्स उस टाइम पर कोई होता नहीं था और अभी भी इसमें 1-2 ही सेलर है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और इसमें मार्जिन बहुत अच्छा था इस प्रोडक्ट पर, क्योंकि मैं डायरेक्टली खुद ही चाइना से इम्पोर्ट करता था। तो यहाँ पर चलिए स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने अलीबाबा का अकाउंट खोला हुआ है और अभी ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने ऑर्डर किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे आप डेट आ रही है 2019 में ये ऑर्डर किया था मैंने और 100 पीसेस हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये लगभग $2.90 का ये प्रोडक्ट है
ये जो प्रोडक्ट है इसका ये पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है ये। इसके बाद फिर से मैंने ये 19 में ही इसके 100 पीसेस और मंगाए थे, यहाँ पे शो हो रहा है आपको। पर ये इसके ऊपर जो बैकपैक लगता था वो फोटो अभी शो नहीं हो रहा है, हाइड्रेशन बैकपैक कहते हैं लिखा हुआ, तो उसका ये कॉस्टिंग है मेंशन है। अब ऊपर जाएंगे तो फिर ये देखिए 300 पीसेस मैंने फिर से इसके 2022 में ही मंगाए, एंड देन उसके बाद फिर मैंने 1000 और इस तरह के बल्क जो है वो डायरेक्ट मैंने मंगाने चालू कर दी प्रोडक्ट्स। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये प्रोडक्ट का प्राइस है, देखिए 100 पीसेस में प्राइस जो था लगभग $2 के आसपास आ रहा था, फिर ये 300 पीस मंगाए तो और कम हो गया, तो $2 का ये प्रोडक्ट है। बट आपको इसके ऊपर जो है इम्पोर्ट ड्यूटी देनी होती है, ये शिपिंग के साथ है इसका प्राइसिंग, और इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो आप और जोड़ लेंगे तो ये मुझे लगभग, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये मुझे 200 रुपये या 250 रुपये का ये प्रोडक्ट पड़ता था, एंड उस टाइम पे ये 1000 रुपये के आसपास जो है मैं प्रोडक्ट इसको सेल करता, जीएसटी के साथ मुझे 200-250 रुपये कुछ का, 220 ऐसा कुछ पड़ता था, एंड ये 1000 रुपये का मैं अमेजोन में सेल करता था। और क्योंकि उस टाइम पे सेलर्स नहीं थे, 2019 की या 20 की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्रोडक्ट एकदम रिसर्च टूल से मिला था तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं था। जब भी जंगल स्काउट यूज करते हैं तो मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे आप वहाँ पे सर्च करते वक्त देख सकते हैं कि उसमें एक दो सेलर से ज्यादा ना हो, तो वैसे प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तो ना तो उसको कोई आपको खास इसमें एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ती थी, और डायरेक्टली इसके ऑर्डर्स आते थे, और इसमें नॉर्मली कोई ऐसा रिटर्न या रिफंड नहीं आता इस प्रोडक्ट में, और एक आध बार किसी में डिफेक्टिव और लीकेज का प्रॉब्लम हो तो हो सकता है, बाकी और कोई ऐसा रिटर्न आता नहीं है। अभी इसको हम देखते हैं आज की डेट में ये अमेजोन पे कितने में सेल हो रहा है। तो देखिए अमेजोन पे मैं इसको, इसको वाटर ब्लैडर भी बोलते हैं या हाइड्रेशन बैकपैक ब्लैडर बोल सकते हैं आप, इसको मैं सर्च करता हूँ। तो नॉर्मली ये 3 लीटर 2 लीटर की कैपेसिटी में आते हैं जो सेल होते हैं। तो अभी देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इस तरह के प्रोडक्ट्स देखिए अब काफी लोग सेल कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको मना कर रहा था, ये 4-5 साल पहले अगर आप सेल करते तो बहुत अच्छा था ये प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट की लाइफ ही 1 साल 2 साल डिपेंड करता है, इतनी ही होती है। तो अभी और जाएंगे, और जो देखिए मैं बैकपैक की बात कर रहा था, मैं इसकी बात कर रहा था, तो इस तरह का जो बैकपैक होता है इसके अंदर ये ब्लैडर आता है। तो ये जो बैकपैक है, फिर मैं पहले ये चाइना से कुछ मैंने पीसेस मंगाए थे, बट ये कॉस्टली पड़ता था क्योंकि वेट ज्यादा हो रहा है, और इंडिया में ये कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चर हो जाता था, तो 150-200 रुपये में ये मैन्युफैक्चर हो जाता था इंडिया में। तो ओवरऑल आप दोनों प्रोडक्ट जोड़ लेंगे तो मुझे 400 रुपये के आसपास अगर दोनों प्रोडक्ट पड़ता था। अभी ये आप प्राइसिंग देखेंगे तो कुछ जगहों पर आपको ये ज्यादा में दिख रहा है, या 1000-1200 में भी दिख रहा है, ये अभी मिल रहा है, उस टाइम हम 1600 या 1500 में सेल करते थे। अब देखो आप, ये सेलर ये है, ये 2000 रुपये में इसको सेल कर रहा है, और यहाँ पे आप ये फ्रंट पे ही आ रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे सेलर है, ये भी अभी 1100 लगभग 1000 कुछ प्राइस आ रहा है तो इसमें ये सेल कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट जो है 1500 या 1600 में हम उस टाइम सेल करते थे, और ये विदाउट ही एडवर्टाइजमेंट सेल होता था क्योंकि सेलर्स बहुत कम थे, एक या दो ही सेलर था। अभी जो प्रोडक्ट मैं आपको एक्चुअल दिखाया है ये यहाँ पे देखेंगे तो आप 650 रुपये में ये सेल हो रहा है, 800 इसके फीडबैक्स हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये 800 रुपये में हो रहा है, इसका कैप थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये ऑलमोस्ट सब सेम ही प्राइस के आते हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 800 रुपये का हो रहा है, ये 650 रुपये का हो रहा है। तो ये अभी हो रहा है क्योंकि सेलर्स बढ़ चुके हैं और प्रोडक्ट पुराना हो चुका है, तो ऐसे में आपको ये यहाँ पे आप और भी नीचे देखेंगे तो आपको अलग अलग प्राइस पे ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये देखिए 1000 रुपये में सेल कर रहा है, तो फ्रंट में बड़े सारे इस टाइप के प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका 400-500 रुपये का मार्जिन बनता था, क्योंकि उस टाइम पे मैं 800-900 रुपये या 1000 रुपये में भी इस प्रोडक्ट को आराम से सेल करता था। तो ये केस स्टडी बनाने का मेरा रीजन ये था कि मैं आपको ये लाइव बता पाऊँ ये प्रोडक्ट आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं इसको समराइज करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी में जो भी लॉन्च करना चाहते हैं आप लॉन्च कर दीजिए, उसके लिए होल्ड मत करिए, क्योंकि क्या आपको प्रोसेस अमेजोन का भी समझना पड़ेगा, या और भी जो आप फ्लिपकार्ट में सोच रहे हैं या ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, वॉलमार्ट पे, ईबे, इत्सी, जिसमें भी आप सोच रहे हैं, तो आपको पहले वहां पे सेलिंग आनी चाहिए, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट कैसे चलाना, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो इसमें आप वेट मत करिए, प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए, एंड बैकएंड में आप रिसर्च पे काम करते रहिए, क्योंकि आप जब तक लॉन्च नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा आपके क्या क्या उसमें एक्सपेंस लग रहे हैं, कितने खर्चे आ रहे हैं, क्योंकि आप 6 महीने प्रोडक्ट रिसर्च पे चले जाएंगे या 3 महीने प्रोडक्ट रिसर्च पे चले जाएंगे, वो प्रोडक्ट लेके आएंगे और आपको एक्सपेंस नहीं पता होगा कि कितने में वो सेल होगा, उसमें क्या डिफेक्ट है, क्या रीजन है, तो वो फिर आपका वो जो प्लान है वो पूरा फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपको सेलिंग और वो सब एक्सपीरियंस पहले से सीखना है, और अगर जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट्स, तो देखिए आपको एटलीस्ट 1 महीना आप बोल सकते हो या 2 महीने भी आप रिसर्च करिए, जंगल स्काउट पे करिए, जिस भी मार्केट में करना है उसका ऑप्शन आता है, मैंने बहुत सारे वीडियोज डाले हैं यूट्यूब पे कि आप जंगल स्काउट कैसे यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे US डाल दीजिए, इंडिया डाल दीजिए, और Helium 10 ऐसे और टूल्स हैं उन पे भी मैंने वीडियोज डाले हैं, आप देख सकते हैं, और वो प्रोडक्ट रिसर्च करके लेके आइए जो मार्केट में बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है, आज की डेट में न्यू है, और उसमें आप 500 या 1000 रुपये का मार्जिन इजीली बना सकते हैं, और उसमें फिर आपके डेली के 3-4 ऑर्डर्स भी आते हैं तो आपके 2-3 हज़ार रुपये एक प्रोडक्ट से, एक मॉडल से सेल हो जाएगा। अब इसकी लिस्टिंग्स कैसे करनी है देखिए मैं आपको ये भी बताता हूँ।
मैंने आपको अभी ब्लैडर की दिखाई, तो एक लिस्टिंग वो हो गई, उसके साथ ये बैग बैग जो है इसको आप नेक्स्ट करेंगे तो ये ब्लैडर के साथ ही आता है बैग। तो एक दो प्रोडक्ट तो ये हो गए। अब इसके साथ यही ब्लैडर जो है वो उसको हम कॉम्बो बना के बेचते थे, तो एक के साथ आपको दो प्रोडक्ट सेल करने हैं तो वो भी आप बेच सकते हैं। क्योंकि ये देखिए प्रोडक्ट क्या है, ज्यादातर लोग साइकिलिंग ट्रैकिंग उस टाइम पे यूज करते हैं, तो ट्रैकिंग में तो लोग ग्रुप में जाते हैं, तो वहां पे एक जन आपसे चार पांच ऑर्डर करेगा, तो आप इसका बल्क B2B के लिए भी यहाँ पे आप क्वांटिटी डिस्काउंट भी दे सकते हैं और सिंगल लिस्टिंग कॉम्बो की भी बना सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया था, ये जो बैग है इसको अपनी ब्रांडिंग करी थी, अपना अपना यहाँ ब्रांड का वो लगा हुआ आता था इस पे, और इसमें भी हमने कॉम्बो बनाए थे, तो इस तरह से आप सेल कर सकते हैं। और फिर इसमें रिफिल भी हम देते थे, एक के साथ दो ब्लैडर देते थे। तो ऐसे करते हुए चार पांच लिस्टिंग मैंने आपको बता दिए, तो आपके यहाँ चार पांच लिस्टिंग्स बन जाएंगी, और इसका आप ब्रांड की पेज बना सकते हैं या अलग से सारी डिटेल डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर्स आने लगेंगे। अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग सोच रहे हैं ये प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो ऑलरेडी काफी ये मार्केट में चल रहा है, कॉम्पिटिशन आ चुका है, अब इसको मत करिए। जहाँ पे कॉम्पिटिशन आता है वो प्रोडक्ट फिर हम धीरे धीरे उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। एक प्रोडक्ट की जो है लाइफ ही वो 1 साल 2 साल रहती है, या बट आप ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं और बड़ा ब्रांड बनाना है आपको बोट की तरह या वैसा कुछ करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, फिर उस तरह के प्रोडक्ट में आप फोकस करिए। और देखिए बोट और ऐसी कंपनी जो बड़ी कंपनीज है वो भी ऐसे ही स्टार्ट हुई है, रिसर्च करती थी, प्रोडक्ट चाइना से लाती थी, देन उसी में आपको जो आपका सप्लायर होता है वही आपको रिलेटेड प्रोडक्ट्स बताने लगेगा, एंड वही आपको और प्रोडक्ट्स न्यू एवरी ईयर देगा, और आपको वो प्रोडक्ट्स भी लेके आने हैं अपने ब्रांडिंग में सेल करने, उस कैटेगरी में आपको सेल करना। एंड ये प्रोडक्ट देखिए उस टाइम इतना डिमांड में था, हमने ये मिडिल ईस्ट में भी एक्सपोर्ट किया, बल्क में किया है, क्योंकि ये आर्मी यूज करती है, तो वहां पे ये मैंने इंडिया मार्ट पे डाल दिया था, तो वहां से मेरे पास इंक्वायरी आई थी B2B की, और फिर ये मैंने मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट किया था। क्योंकि प्रोडक्ट जो डिमांड में, अगर उसके पास उसकी क्वांटिटी आपके पास रहेगी, रेडी अवेलेबल रहेगा, ये मेरे पास क्वांटिटी में हमेशा अवेलेबल रहता था प्रोडक्ट, तो क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, आपके पास ऑर्डर आएगा और रेडी आप उसको शिपमेंट कर सकते हैं, तो B2B के भी इसके काफी ऑर्डर्स आते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसी तरह के लाइव केस स्टडीज के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं और डिटेल्स में वीडियोस बनाऊंगा। प्राइसिंग देखिए मैंने आपको वहाँ परचेस प्राइस दिखा दिया है और वो डिटेल्स भी, तो परचेस प्राइस जो $2 आप मान सकते हैं, तो देखिए $2 आपके लगभग 160 रुपीज के होते हैं, और शिपिंग और GST इम्पोर्ट ड्यूटी सब मिलाने के बाद वो जो प्रोडक्ट आपके पास आता था वो 220 रुपये के आसपास मुझे पड़ता था, सिंगल ये ब्लैडर की मैं बात कर रहा हूँ, तो 220 रुपये का ये मुझे पड़ता था। और पहले आपको क्या करना है, छोटे शिपमेंट्स मंगाने हैं, आपको प्रोडक्ट मंगा के सप्लायर भी चेक करना है, ट्राई करना है, और मैंने अभी आपको जो दिखाया था तो उसमें सप्लायर भी अलग अलग थे, क्योंकि ये देखिए प्रोडक्ट लीकेज भी हो सकता है, ये सारी चीजें होंगी, तो आपको फीडबैक लेना है कस्टमर का, 1 आध महीने उसको सेल करना है, फीडबैक लेना है, एंड देन उसके बाद फिर आपको बल्क क्वांटिटी में मंगाना है, तो आप बल्क में मंगाएंगे तो ये और सस्ता पड़ता है, ये तो मैं आपको 200-300 पीसेस का प्राइस बता रहा हूँ, तो और मंगाएंगे शिप के थ्रू, ओशन के थ्रू मंगाएंगे तो और शिपिंग जो है वो सस्ती पड़ेगी। तो ये सारा रिसर्च करना है, काम करना है, प्रोडक्ट आपको टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहने हैं, और ऐसे आपको चार पांच प्रोडक्ट भी अच्छे मिल जाएंगे जो चल रहे हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि आपके कितने प्रोडक्ट की सेल आएगी और कितने ऑर्डर्स आएंगे, एंड यहाँ पे आप इनके फीडबैक और वो डिटेल्स देख के देख सकते हैं कि ऑलरेडी इनके पास कितने ऑर्डर्स आ रहे होंगे। तो वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय।